मुझे लगता है कि डिसीजन हो चुका है और शायद एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट अपनी अपनी ऑडियंस के लिए होती है। मिर्जा भाई, अगर आप ध्यान से देखें, ये तो आपको भी मालूम था कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। मैं सिर्फ यहाँ का मौकिफ रखता हूँ आपको, उसके बाद आप उसको न्यूट्रल तरीके से या पाकिस्तान के तरीके से देख सकते हो। तो ये पहले से इन्होंने तय किया हुआ था कि इंडिया नहीं जाएगा वहां पर। और इससे पहले भी जब जब 2008 के बाद, जो 26/11 के बाद से जब भी एशिया कप हुए हैं वो न्यूट्रल कंट्रीज में, इंडिया ने भी जब होस्ट किया 2018 में दुबई में किया, तो उस हवाले से इन्होंने पहले ही कह दिया था। हाँ, वहां पर आपकी पीसीबी में थोड़ा फेरबदल हुआ, नजम सेठी साहब आए, इनफैक्ट मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया था और काफी नाराज भी थे उस दिन, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि 21 या 22 दिसंबर को एशियन क्रिकेट काउंसिल की उस बोर्ड ने आपके पीसीबी को एक ईमेल के जरिए इत्तला दी थी, तो उनको इस बात का इलम नहीं था। तो शायद पीसीबी में बदलाव हुआ था। अब वो बात वही होती है ना कि आपको एक स्टैंड लेना होता है। अब मैं भी देख रहा हूँ ट्वीट पाकिस्तान से जो आ रहे हैं कि जी नजम सेठी साहब ने बिल्कुल हिला के रख दिया, उन्होंने कहा कि नहीं आओगे तो हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलने आएंगे। मिर्जा भाई, आप तो बहुत, मेरे से भी ज्यादा आपकी तजुर्बा है एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आप भी जानते हैं कि एशिया कप यूएई में ही होगा, ये पहले से तय था, और आई थिंक इस पर एक औपचारिक मोहर जो है वो लगनी बाकी है।